तो कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज के वीडियो में आप सभी जानोगे बेबलेट की सभी सीरीज के टॉप 10 अटैक टाइप बेबलेट्स के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ये बेस्ड है टॉप 10 अटैक टाइप बेबलेट्स इन बेबलेट ऑल सीरीज के बारे में। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, ऐसे और सारे औसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल एफएस एनिमेटून्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर मैं आपको दूसरे एनिमे से रिलेटेड थ्योरीज और फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो यार चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। टेंथ प्लेस पर आता है वाइस लेपर्ड। वाइस लेपर्ड एक अटैक टाइप बे था जो कि हमें बेबलेट बस टर्बो में देखने को मिला था, और इसके ओनर का नाम लाबान वनोट था जो कि थोड़ा जंगली नेचर का था, और वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था, और अपनी स्ट्रेंथ के कारण ही उसे टर्बो फोर के मेंबर्स में से एक कहा जाता है, और इन सब चीजों की वजह से वाइस लेपर्ड मेरी लिस्ट में टेंथ प्लेस पर आता है। नाइन्थ प्लेस पर आता है पोसाइडन। पोसाइडन एक ऐसा बेबलेट है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड ऑफ सी यानी कि पोसाइडन से इंस्पायर्ड है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बेबलेट का ओनर मिस्टेल था जो कि हम लोगों को बेबलेट जी रेवोल्यूशन में देखने को मिला था, और बेबलेट जी रेवोल्यूशन में उसने मैक्स के अगेंस्ट एक ड्रॉ बे बैटल भी खेली थी, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने क्वालिफिकेशन राउंड को भी काफी आसानी से क्लियर कर लिया था। एट्थ प्लेस पर आता है रे स्ट्राइकर। मासामुने का बेबलेट रे स्ट्राइकर भी एक अटैक टाइप बेबलेट है, और भले ही वो खुद को दुनिया का नंबर वन बेबलेडर कहता हो, पर आपको और मुझे तो ये पता ही है कि वो दुनिया का नंबर वन बेबलेडर नहीं है। गजब बेइज्जती है। लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसने बेबलेट मेटल मास्टर्स में गैन गैन गैलेक्सी को काफी सारे मैचेस जितवाए भी हैं, और बेबलेट मेटल फ्यूरी में वो बेस्टर आइलैंड चैंपियनशिप का रनर अप भी था, और इन सब चीजों की वजह से ही रे स्ट्राइकर में लिस्ट में 8th प्लेस डिजर्व करता है। 7th प्लेस एक्सकैलियस। एक्सकैलियस नाम का बे हमें बेबलेट बस सीरीज में कई बार देखने को मिला है, और ये एक काफी पावरफुल बेबलेट है। एक्सकैलियस नाम के दो बेबलेट्स हमें बेबलेट बस सीरीज में देखने को मिले हैं। एक्सकैलियस का पहला ओनर जेंडर है, जिसने एक्सकैलियस के साथ कई बे बैटल्स जीत कर अपनी जगह जापान के टॉप फोर बेबलेडर्स यानी कि सुप्रीम फोर में बनाई है, और दूसरा ओनर है जेवियर बोगार्ड जो कि जेंडर का ही स्टूडेंट था। उसने बे क्रूज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और इन्हीं सब चीजों की वजह से एक्सकैलियस में लिस्ट में 7th प्लेस पर आता है। 6th प्लेस पर आता है स्ट्रेटर रेगून। अगर अटैक टाइप बेस की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि दाइची का स्ट्रेटर रेगून भी कुछ कम नहीं है। दाइची ने अपने स्ट्रेटर रेगून की मदद से टाला और रिक जैसे स्ट्रॉन्ग बेबलेडर्स को हराया है, और इतना ही नहीं, उसने टीम बीबे रेवोल्यूशंस को सबसे ज्यादा मैचेस जिताए हैं, और इन सब चीजों की वजह से दाइची का स्ट्रेटर रेगून मेरी लिस्ट में 6th प्लेस पर आता है। 5th प्लेस पर आता है लुइनोर। लुई का लुइनोर बेबलेट बस सीरीज का दूसरा सबसे पावरफुल अटैक टाइप बेबलेट है। लुइनोर की वजह से ही लुई 5 बार नेशनल चैंपियन बना था, और इतना ही नहीं, लुइनोर की वजह से ही लुई ने फ्री, शू, वॉल्ट और आइगर जैसे बेबलेडर्स को हराया है, और इतना ही नहीं, लुई ने एक ही बे बैटल में आइगर, फुबुकी और रंजीरो को एक साथ हराया था। और जब टर्बो सीजन में वॉल्ट वर्सेस लुई की बे बैटल हुई थी तो इन दोनों के बेबलेट्स ने बे स्टेडियम को ही तहस नहस कर दिया था, और इन सब चीजों की वजह से लुई का लुइनोर मेरी लिस्ट में 5th प्लेस पर आता है। 4th प्लेस पर आता है पेगासस। बेबलेट मेटल सीरीज में धूम मचाने वाले इस बेबलेट की जितनी अचीवमेंट्स गिनाई जाएं उतनी कम है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। इस बेबलेट की मदद से ही जिंगा ने बैटल ब्लेडर्स के फाइनल्स में रायोगा को हरा कर खुद को चैंपियन बनाया था, और गैन गैन गैलेक्सी टीम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी वजह से जीती थी क्योंकि उनके पास जिंगा जैसा स्ट्रॉन्ग बेबलेडर था जिसके पास काफी ताकत और बेबलेट पेगासस था, और इतना ही नहीं, पेगासस की वजह से ही जिंगा नेमेसिस को हराने में कामयाब हो पाया था, और इन सब चीजों की वजह से पेगासस मेरी लिस्ट में 4th प्लेस पर आता है। 3rd प्लेस पर आता है वेल्ड्रियक। अगर अटैक टाइप बेबलेट्स की बात हो रही हो और हम वॉल्ट के वेल्ड्रियक को भूल जाएं तो इससे बड़ा पाप तो और कुछ नहीं हो सकता। वॉल्ट ने अपनी बेबलेट वेल्ड्रियक के दम पर ही इंटरनेशनल ब्रीडर्स कप टूर्नामेंट को जीता था, और वो लगातार 2 साल तक बेबलेट वर्ल्ड चैंपियन भी रहा था, और अपने बेबलेट वेल्ट्रे के दम पर ही उसने शू के स्प्राइजेन, फ्री के फैफनियर और हाइड के बेबलेट हेडीज को हराया था, और इसके अलावा भी उसने काफी सारी बेबैटर्स जीती हैं और काफी सारे स्ट्रॉन्ग बेबलेटर्स को हराया है, और इन सब चीजों की वजह से वेल्ट्रियक मेरी लिस्ट में 3rd प्लेस पर आता है। 2nd प्लेस पर आता है ड्रैगून। अगर हम ड्रैगून की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मेरे वर्ड्स तो कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन चलो मैं आपको फिर भी कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। ड्रैगून एक ऐसा बिट बीस था जिसने अपने बेबलेडर को खुद ही चुना। ड्रैगून ने टाइसन की लाइफ को एकदम ही चेंज कर दिया,
कहां टाइसन एक स्ट्रीट साइड बेबलेडर था और उसे एक वर्ल्ड चैंपियन बेबलेडर बना दिया। ड्रैगुनी वो बेबलेड है जिसकी वजह से टाइसन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन सका और अपने टाइटल को डिफेंड कर सका। ड्रैगुन की मदद से ही उसने टाला और काय जैसे बाकी के स्ट्रॉन्ग बेबलेडर्स को हराया है। ड्रैगुनी वो बेबलेड था जो टाइसन के साथ अंत तक लड़ता रहा और टाइसन की मदद करता रहा, और ड्रैगुन की मदद से ही उसने ब्रुकलिन को हराया और बेगा को ख़त्म करके वापस बीबीए को लाया और मिस्टरी कैंसन को भी उनकी जगह वापस कर दी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ड्रैगुन टॉप 10 अटैक टाइप बेबलेड्स की लिस्ट में सेकंड प्लेस पर आता है। फर्स्ट प्लेस पर आता है रायुगा का एल ड्रैगो। इस बेबलेड को ऐसे ही ड्रैगन एम्परर नहीं कहा जाता। रायुगा ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 ही बे बैटल्स हारे हैं और रायुगा का विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जो कि है 98%। और इस बेबलेड को ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, और ये हम सभी को पता ही है कि रायुगा ने जो ट्रेनिंग करी वो कोई भी बेबलेडर कर नहीं सकता। और रायुगा के बेबलेड एल्ड्रैगो के पास स्पिन स्टीलिंग यानी कि दूसरे बेबलेड की स्पिन पावर को एब्जॉर्ब करने की पावर भी है। और इतना ही नहीं, बेबलेड शोगन स्टील की मांगा में रायुगा को तो गॉड लेवल तक ही पहुंचा दिया एल्ड्रैगो ने। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एल्ड्रैगो मेरी लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टॉप 10 अटैक टाइप बेबलेड्स इन बेबलेड ऑल सीरीज के बारे में। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हो तो नीचे हैशटैग या सेफेस्ट कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 10 लिस्ट भी बता सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेट कर दो एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और एमवीज वगैरह देखने को मिलेंगी। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।